ये देखिए ये अल्पाइन झाड़ियाँ हैं पूरी, जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं उसके जस्ट बगल में है। बहुत ही अच्छा व्यू है और क्या ही चाहिए, पहाड़ों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और नेचर के बिल्कुल करीब हैं, ये देखिए। फाइनली हम लोगों को होटल मिल गया, अभी हम लोग मसूरी से धनौल्टी आए तो फाइनली हम लोग को होटल मिल गया है। और ये कौन सा जंगल वुड करके होटल है, अभी मैं इसको बाहर से आपको दिखाऊंगी, जंगल वुड करके है। और टेंट है वो 2000 में टेंट है, 4 बेड पे है, 2000 का टेंट है जिसमें 4 बेड हैं, बाथरूम है और ये व्यू है, तो काफ़ी अपने बजट में है। और हम लोग इस समय 8 लोग हैं तो बढ़िया है, फैमिली रूम लिया है। ये हम लोग जंगल वुड में रुके हैं, ये कैंप कॉटेज और रेस्टोरेंट है ना, तो ये एरिया दिखने में ऐसा है अंदर से, ठीक है, बट अगर आप थोड़ा अंदर आएंगे तो बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से पूरे कैंप लगे हैं, यहाँ कैंपिंग भी हो जाएगी। और जब यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है इसको जब बंद कर देंगे, देखिए यहाँ पे बैठने का है, ठीक है, थोड़ा सा अपना बालकनी जैसा व्यू दिया है, यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। अंदर आइए, अंदर अंदर का देखते हैं। ये टेंट है, ये पूरा एयर टाइट है, ठंड थोड़ा ज़्यादा है तो जब ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो ठंड की बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अंदर आइए, मैं लाइट को ऑन करती हूँ। ये 4 बेड का है, बहुत ही अच्छा है बिल्कुल, है ना, यहाँ से देखिए। और यहाँ पे डस्टबिन है और बाथरूम का फैसिलिटी है, बाथरूम का ऐसा साइड में है, आइए दिखाऊंगा। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, और क्या चाहिए पहाड़ों पे। और टेंट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता, बकेट है और सब बढ़िया है, ठीक है। आइए बाहर, अब इसकी सर्विस कैसी है, कैसे ये लोग, क्या आगे कैसा है, वो मैं आपको लास्ट में इसका रिव्यू दूंगी। अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छी रेटिंग पे है, अभी हम लोग बुक करने जा रहे हैं, इसको बुक करके फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, आप जब मसूरी से धनौल्टी के साइड आएंगे तो आपको सीनरी भी बहुत अच्छा है। हाँ ये दोनों सही है, हाँ ये दोनों ठीक है, इधर से बहुत है। और आपको एक बात बताने वाली हूँ, अभी मैं हम लोग कार से आ रहे थे तो मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ कार में बोली तो सब लोगों ने बोला इसको अपनी वीडियो में बताना, मैंने किसी बुक में कभी पढ़ा होगा तो उस लैंग्वेज में तो मुझे नहीं याद है, तो मुझे अभी याद है। जैसे ये जो पहाड़ों पे जो उत्तराखंड का पहले हमारा जो ये उत्तराखंड है इसको उत्तरांचल बोलते थे, ये यूपी का पार्ट था, सन 2000 में ये अलग हुआ, तो मैं किसी बुक में इसको पढ़ी थी इसके बारे में। यहाँ पे जो स्टेट एनिमल है इनका वो अल्पाइन मस्क डियर है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये तो सबको पता होगा जो अल्पाइन मस्क डियर है, अल्पाइन एक ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं, जैसे ये देखिए ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं, और ये झाड़ियां आपको सारे वो हिमालयन रेंज जो जम्मू कश्मीर से इधर क्या बोलते हैं हिमाचल और नेपाल इधर के साइड मिलती हैं, ये झाड़ियां वहीं मिलेगी। और जो मैं अल्पाइन मस्क डियर बोली, अल्पाइन का मतलब होता है ऊंची ऊंची झाड़ियां, मस्क मतलब कस्तूरी, मस्क मतलब कस्तूरी होता है, और अल्पाइन मस्क डियर, डियर मतलब समझिए मृग जिसको बोलते हैं, तो वो जो डियर होती है वो इसी तरह की अल्पाइन झाड़ियों में मिलती हैं। और ये मेल डियर होते हैं, मेल हिरन होते हैं जिनके अंदर एक सैक होता है और उनके अंदर एक फ्लूड सैक होता है, एक फ्लूड बनता है, उस फ्लूड को ही मस्क बोलते हैं, तो इसीलिए वो अल्पाइन मस्क डियर बोलते हैं। उनके अंदर कस्तूरी पाया जाता है जो कि मतलब अब वो पूरी तरह से लुप्त होने लगे हैं बिकॉज ऑफ हंटिंग, अब इस तरह से डियर नहीं मिलते हैं। और तो फिलहाल मैं यही बताने वाली थी।
और यहाँ का जो उत्तराखंड है, यहाँ का स्टेट बर्ड जो है वो मोनल है, एक मोर की एक प्रजाति है जो कि हमारे नेपाल का वो है, क्या बोलते हैं, नेशनल एनिमल है, ये यहाँ का स्टेट है। तो बस यही बताना था फिलहाल वीडियो में। अभी आगे इसका रिव्यू मैं बाद में दूंगी इस वीडियो का, ठीक है, होटल्स का और ये। तो मिलते हैं आगे। हाँ और क्या बन रहेगा, पेड़ आएंगे, पेड़ आएगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो आइए फूड आएंगे। हाँ वन ही जीवन, पता है क्यों जी, वन ही कहाँ लिखा है, वन ही जीवन है। ये देखिए स्ट्रेट ट्री ब्रांच, ये यहाँ का स्ट्रेट ट्री है ब्रांच, इको पार्क धनोल्टी, देखिए ब्रांच। कोई मेरा कैमरा पकड़ लो। ढेर सारे बंदर यहाँ पे और इन्फेंट भी है, मतलब बंदर के बच्चे। वो चढ़ गया।